लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज पहले चरण में 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। 91 लोकसभा सीटों पर कुल 1289 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। पहले चरण के मतदान में जिन प्रमुख नेताओं की किस्मत ईवीएम में कैद होगी, उनमें केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह, नितिन गडकरी, हंसराज अहीर, किरण रिजिजू, कांग्रेस की रेणुका चौधरी, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी शामिल हैं। इस चरण में रालोद के अजीत सिंह का मुकाबला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर सीट पर बीजेपी के संजीव बलियान से है, जबकि आपको बता दें कि उनके बेटे जयंत चौधरी बागपत सीट पर केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह को चुनौती दे रहे हैं। वहीं लोजपा नेता चिराग पासवान बिहार में जमुई सीट से उम्मीदवार हैं। आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा के गठन के लिए 543 सीटों के लिए 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक मतदान होना है। इन चुनावों के नतीजे 23 मई को घोषित किए जाएंगे। आपको लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान जारी हो गया है। 20 राज्यों की 91 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनावी मैदान में है 1289 उम्मीदवार। नितिन गडकरी सहित कई दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं। 543 सीटों के लिए 7 चरणों में ये मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2019 का दंगल अब शुरू हो चुका है। 11 अप्रैल से 19 मई तक ये मतदान होगा और आखिरकार 23 मई को नतीजे घोषित किए जाएंगे।